12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों को वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे ये एक्स अक्ष ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाई अक्ष ले लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स एक्स डैश वाई और ये रहा नीचे वाई डैश। मैं अगर मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली और वाई अक्ष पे क्या कर रहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्तों का समीकरण निकालना है और उसके बाद उसका अवकल समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके कुल का अवकल समीकरण निकालेंगे। तो वृत्त को वाई अक्ष है ना, वृत्त कैसा होना चाहिए जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है ना, हो सकता है कि वो इस तरह से जाए, वो इस तरह से जा सकता है, ये मूल बिंदु को ही स्पर्श करेगा, ठीक है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से ना वृत्त हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण, कुल का मतलब उसके खानदान का है ना, कुल का समीकरण जितने हो सकते। तो मैं यहाँ पे वृत्त का केंद्र ए ले लेता हूँ 1,0 और त्रिज्या भी ए ही ले लेते हैं, ऐसी बात है, ये दूरी यही ना होगी यहाँ से यहाँ तक। चलिए तो क्या हो जाएगा इसके लिए समीकरण, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर। ये ना होता है जी, होता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्स माइनस वृत्त का केंद्र जो होता है उसका एक्स नियामक, वाई माइनस वृत्त का केंद्र जो होगा उसका वाई नियामक, बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर, यही ना होता है, यही ना लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से मैं अगर बात करूं टू ए का वैल्यू, इसको इधर लाऊंगा, एक्स को भाग में लाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, टू एक्स माइनस टू ए प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो। चलिए अब आगे देखते हैं टू ए का वैल्यू रख के, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस टू वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एलसीएम होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो। ये जाके गुणा करेगा जीरो हो जाएगा, यानी बच जाएगा, यहाँ पे घटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में जीरो। इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। यही नाम दिखाना था, ला दिया समीकरण, समझ गए। चलिए अगला